परेशानी यही हो रहा है सर कि रूम में जाते हैं तो ये नहीं छुओ वो नहीं छुओ, सर हैं जो उतना ही गाली गलौज लन फन करते रहते हैं। देखा तो नहीं है सर, लेकिन ऐसा लगता है कि ड्रिंक लेते हैं। कैसे लगा आपको? नहीं, हम लोग के साथ बहुत गंदा व्यवहार करते हैं। स्मेल से पता चलता है ना, वो एनी टाइम मतलब बदबू देते रहता, बकता ही रहते हैं, एनी टाइम घुसते ही उनको मतलब। रूल में नहीं हम लोग का कपड़ा धोना, फिर भी प्रेशर दे करके बोलता है कि कपड़ा धोना, और स्टाफ सब इग्नोर करता है कि सर मेरा काम नहीं है, उसके चलते गाड़ी ग्लोव और वगैरह अभद्र व्यवहार और मारपीट भी कल किया गया है। सरकारी अधिकारी से पीड़ित जो हैं हमारे साथ जो लोग हैं, सरकार के जो अधिकारी हैं रेलवे में, उन जिस तरह से बात कर ले कि कॉन्ट्रैक्ट पर जो प्राइवेट लोग रहते हैं और जो उनके घरों में काम करते हैं, उनको किस तरीके की परेशानियां झेलनी पड़ती है, आज हम उन लोगों से जानेंगे, क्योंकि काफ़ी लोग परेशान हैं। पहले कॉन्ट्रैक्टर हैं, हम उनसे जानेंगे क्या कुछ परेशानियां हो रही है। जैसे ऑफिसर जो हैं उनका कपड़ा धोने के लिए स्टाफ से बोलता है, पर्सनल कपड़ा पैंट शर्ट या उनका फैमिली का साड़ी जो भी है अपना, तो ये लोग रूल में नहीं हम लोग का कपड़ा धोना, फिर भी प्रेशर दे करके बोलता है कि कपड़ा धोना, स्टाफ सब इग्नोर करता है कि सर मेरा काम नहीं है, उसके चलते गाड़ी ग्लोव और वगैरह अभद्र व्यवहार और मारपीट भी कल किया गया है। किनके साथ मारपीट किया गया? रविंदर जी है, रविंदर प्रसाद हैं, उनके साथ मारपीट किया गया है। अच्छा, और राहुल द्वारा मारपीट किया गया? हाँ, रविंदर प्रसाद को ये रविंदर स्टाफ है। हाँ। कर्मचारी है रविंदर प्रसाद। अच्छा, अच्छा। और एक रविंदर प्रसाद जो है ऑफिसर है। हाँ। वो ऑफिसर जो है अपना स्टाफ रविंदर, उसका भी रविंदर ही नाम है। अच्छा। उसको मारपीट किया। मालिक का भी नाम रविंदर, स्टाफ का भी नाम रविंदर है? मालिक का नहीं, वो स्टाफ का भी नाम रविंदर है और रेलवे ऑफिसर का भी नाम रविंदर, और उनका भी रविंदर प्रसाद है, वो CMM है, चीफ मटेरियल ऑफिसर हाजीपुर में है। अच्छा, तो आप कॉन्ट्रैक्ट आप सबको रखते हैं? हाँ हाँ, हम सबको स्टाफ को हम प्रेजेंट करते हैं, हम सबको रखते हैं। महिलाएं भी रहती हैं? हाँ, महिलाएं रहती हैं। महिलाएं कोई सामान छू देगी तो उसको सामान को भी एक जगह बोला छूएगा नहीं, अछूत हो गया, इस तरह की बात करती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लेने से पहले आप लोगों ने जानकारी ली थी ना कि हम लोग प्राइवेट रखेंगे? हाँ हाँ, बिल्कुल, उसमें एग्रीमेंट में है कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट रखेंगे, प्राइवेट सब है। अच्छा। हाँ, एग्रीमेंट में है, वो सब रूल है, उस सबका पेपर के अनुसार सबको रखे हुए हैं, और सब दिन से सब ठीक ठाक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब से ही रविंद्र प्रसाद आए हैं सब सारे स्टाफ को परेशानी है, बहुत सा उनके चलते स्टाफ काम छोड़ दिया, उनकी अच्छा। परेशानी उन्हें, हाँ हाँ, काम छोड़ दिया। महिला है हमारे साथ, उनसे जानेंगे क्या परेशानियाँ हो रही है। परेशानी यही हो रहा है सर कि रूम में जाते हैं तो ये नहीं छुओ वो नहीं छुओ, सर हैं जो उतना ही गाली गलौज लन फन करते रहते हैं, बस यही है। बहुत तरह की बात होता है, और क्या क्या बहुत तरह की बात क्या होती है? मतलब जाते हैं तो ये सोफा नहीं पकड़ो तो पर्दा नहीं छुओ तो मतलब टेबल नहीं पकड़ो। हाँ। सर हैं जो मतलब थोड़ा सा ड्रिंक ले लेते हैं तो साइड अगर कर दिया तो क्या कह रहे हैं, ड्रिंक ले लेते हैं तो ऐसा ही घुसते हुए भी मतलब गाली गलौज लन फंद करते रहते हैं। शराब पी के आते हैं क्या? शायद हाँ सर, तब करके आते हैं तब ना गाली बकते हैं। अच्छा, आप लोग वहाँ काम करती हैं, आप लोग भी काम करती हैं, इधर आ जाइए, आप भी वहाँ काम करती हैं, इनका कहना है कि ड्रिंक लेती हैं, क्या आप लोगों ने कभी उनको ड्रिंक लेते हुए देखा है कभी? देखा तो नहीं है सर, लेकिन ऐसा लगता है कि ड्रिंक लेते हैं। कैसे लगा आपको? नहीं, हम लोग के साथ बहुत गंदा व्यवहार करते हैं। किस तरह से पता चला कि ड्रिंक किए हुए? स्मेल से पता चलता है ना। किसी से? स्मेल से पता चलता है ना, वो एनी टाइम मतलब बदबू देते रहता, बकता ही रहते हैं, एनी टाइम घुसते ही उनको मतलब। तो आप सुन रहे हैं कि किस तरह से जो प्राइवेट कर्मचारी हैं, एक तो कोरोना का महामारी चल रहा है और दूसरी तरफ जो इन तरह की परेशानियाँ हैं, यह परेशानी एक जगह से हम दिखा पा रहे हैं, लेकिन ऐसी परेशानियाँ जो है वो कई जगहों पे देखने को मिलती है। लेकिन हालांकि कुछ लोग चुप रह जाते हैं, इस वजह से यह निकलकर बाहर नहीं आती है, लेकिन कुछ लोग जो बोलते हैं उसकी सच्चाई सामने आती है। आपने सुना कि किस तरीके से जो अधिकारी हैं और जो अधिकारी के घर में जो लोग काम करते हैं वो किस तरह से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। और भी अपडेट्स देंगे, बड़े निश्चित के साथ। नमस्कार।